द्वापर में जब युद्ध की समाप्ति हो गई, पांडवों को राज मिल गया, उस समय भगवान कृष्ण के पास, वासुदेव कृष्ण के पास पांडव बैठे हुए थे और वो पूछते हैं कि वासुदेव अब इसके बाद क्या। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, बोलते हैं इसके बाद ना कुछ पहले है ना कुछ बाद में है, ये तो एक चक्कर है जो चलता ही रहना है। इसके बाद का युग जो है उसकी अगर तुम जानकारी चाहते हो, उसके विषय में तुम जानना चाहते हो, उसमें तुम्हारी जिज्ञासा है, तो आज जंगल की ओर, वन की ओर भ्रमण करके आओ तुम लोग, और शाम को फिर हम इस विषय में चर्चा करते। पांडव वन की ओर, जंगल की ओर निकल लेते हैं। भगवान कृष्ण अपना ध्यान में चले जाते हैं। युधिष्ठिर जब जंगल की ओर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सामने गजराज खड़े हुए हैं, जिनकी दो सूंड। वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दो सूंड वाले गजराज। भीम भी जंगल में अग्रसर हो रहे हैं, आगे चल के जा रहे हैं। वो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, जहां एक गाय अपने बछड़े को प्यार से चाट रही। वो देखकर मुग्ध हो जाते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि उस बछड़े के जो शरीर है उससे रक्त निकल जाता है, मां फिर भी उसे चाटती जा रही। वो देख के आगे चलते हैं। अर्जुन जब बढ़ रहे होते हैं आगे को, तो देखते हैं ऊंचे शिखर पर एक बहुत ही सुंदर पक्षी बैठा हुआ है, और उस पक्षी के जो पंख हैं, उन रंग बिरंगे पंखों में वेदों की ऋचाएं लिखी हुई है। जब वो पक्षी को देखते हैं तो वो उसे प्रणाम करते, तभी वो क्या देखते हैं कि पक्षी उड़ता हुआ जमीन की ओर नीचे जाता है, और वहां जिस स्थान पर बैठता है उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो जिस स्थान पर बैठा था वहां मांस खुला हुआ था, और वो पक्षी उस मांस को खाने लगा। जब नकुल आगे बढ़ते हैं तो नकुल देखते हैं कि एक स्थान है जहां पर 7 कुएं बने हुए हैं, 6 कुएं तो चारों तरफ इस प्रकार से बने हुए हैं, घेरा बनाए, और एक कुआं जो 7वां है वो बीच में बना हुआ। वो उस बीच के कुएं में जाते हैं और सोचते कि थोड़ी जल पी लिया जाए। जब वो उस कुएं के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस जल में तो कुआं है, पानी ही नहीं उस कुएं में। जब वो उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस कुएं में तो जल ही नहीं। वो आसपास के कुओं में देखते हैं जिनमें जल बहुत ही पर्याप्त रूप से भरा हुआ था। वो अचंभित हो जाते हैं। सहदेव जब आगे बढ़ते हैं तो पर्वत के नीचे से की ओर से जा रहे थे, तभी वो देखते हैं एक विशाल काय चट्टान जो पहाड़ के समान है, वो पर्वत से गिरती हुई आ रही है नीचे को। वो बड़े बड़े पेड़ों को, हाथियों को, जो भी पक्षी आते जा रहे हैं, जो भी उस चट्टान के सामने आते जा रहे हैं, वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। उसे देख के सहदेव एकदम अचंभित हो जाते और वो उसको एकटक देखने। वो चट्टान उनकी ओर आती है,
वो सबको नष्ट करते हुए, बड़े बड़ी चीजों को नष्ट करते हुए, विशालकाय चीजों को नष्ट करते हुए नीचे आते हैं और देखते हैं कि एक जगह आके वो ठहर गई। और जिस जगह ठहरी है वो एक छोटा सा पेड़, विशालकाय वृक्ष भी नहीं है जिसको वो नष्ट करते जा रही थी चट्टा, और एक छोटे से पौधे के आगे, पेड़ के आगे। इन सभी वृत्तांतों के बाद जब पांडव कृष्ण के पास पहुंचते हैं और वो अपनी घटनाएं बताते हैं किस प्रकार की घटनाएं हैं, तो भगवान वासुदेव कृष्ण युधिष्ठिर की घटना पर बताते हैं कि आपने जो दो सूर वाला हाथी देखा, ये कलयुग के प्रभाव का, ये आने वाले युग के प्रभाव का पहला यह आने वाले युग का प्रभाव का पहला दृश्य था कि उस समय का जो मनुष्य होगा वो दो मुंह वाला, कहेगा कुछ करेगा कुछ, दिखाएगा कुछ बोलेगा कुछ, मन में है कुछ बोलना है। उस व्यक्ति पर, उस समय के व्यक्ति पर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। यह कलयुग का पहला प्रभाव, वहां का राजा भी ऐसा होगा, वहां की प्रजा भी ऐसी होगी जिस पर कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। जो भीम वाली बात आती है, भीम के घटना पर बताते हैं कि जो बछड़े के प्रति मां का प्यार है, कलयुग में यही प्रभाव होगा कि जो माता पिता होंगे बच्चे के, वो बच्चे को इतना प्यार देंगे, मोहे में इतना फंस चुके होंगे कि उन्हें इस चीज का भी ज्ञान नहीं रहेगा कि हमारे बच्चे के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। और मोह में फंसते हुए वो उनको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना लाड़ देंगे, इतना कोमल बना देंगे कि वो उनके लिए इतना दुखदायी होगा जिससे बच्चों को भी भविष्य में कष्ट होगा और मां को भी कष्ट होगा। यह प्रभाव आने वाले युग में आ जाएगा। जब अर्जुन बताते हैं रचना का कि मैंने इतना सुंदर पक्षी देखा जिसमें वेदों की रचना रची हुई, और उस को मैंने मांस खाते हुए पक्षी को देखा, तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह आने वाले युग का तीसरा प्रभाव होगा कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, वेदों का पाठ करने वाले, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, योग करने वाले, उन्हें अनेक ज्ञान होंगे, वो ज्ञानी होंगे, पर उसके बाद भी मांस भक्षण करेंगे। मांस भक्षण का तात्पर्य आंतरिक भी है, बाह्य भी है। वो बाह्य भी मांस भक्षण करेंगे, वो मानसिक रूप से भी वो मांस भक्षण करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव होगा, इसलिए ज्ञानियों की ज्ञान होते हुए भी उस पक्षी के समान स्थिति होगी। नकुल जब बताते हैं अपने कुओं का घटना का कि पानी मेरे को वहां से प्राप्त ना होकर दूसरे कुएं से प्राप्त हुआ, तब वासुदेव बताते हैं कि आने वाले युग का ये चतुर्थ प्रभाव है, ये आने वाले युग का चतुर्थ प्रभाव होगा कि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो चुका होगा, सिर्फ अपने विषय में सोचने वाला हो चुका होगा, वो बगल वाले की, अपने सामने वाले की मदद करना पूरी तरीके से भूल चुका। सामने उसके कोई व्यक्ति प्यास से मर भी रहा होगा तो उसकी मदद नहीं करेगा, सिर्फ अपने विषय में सोचेगा। यह कहते कलयुग का चतुर्थ प्रभाव। और सहदेव, जो तुमने देखा, वासुदेव कृष्ण क्या बताते हैं सहदेव से,
सहदेव, जो तुमने देखा कि वो विशालकाय चट्टान जो तुम्हें बड़े पहाड़ के समान दिख रही थी, पर्वत से गिरती हुई आ रही थी, सभी चीज को नष्ट करती हुई आ रही थी, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो घोड़े हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो निर्जीव पक्षी, सबको नष्ट करती हुई आ रही थी। वो ये नहीं देख रही थी कौन विशाल कौन छोटा। वो बड़े बड़े पेड़ों को जो कई सैकड़ों समय से, सैकड़ों वर्ष से लगे हुए, उनको भी नष्ट करते हुए नीचे आ रही थी। और वो आके एक छोटे से पौधे में रुक जाते। भगवान कृष्ण बोले, यही ज्ञान, यही योग है, यही औषधि है, यही विचार है और यही देव और यही ज्ञान। जो पौधा है वही ज्ञान है। जब इतनी विविधताएं कलयुग में आने लगेंगी, आने वाले युग में आने लगेंगी, जब कुछ नहीं बच पाएगा, किसी से बचाना संभव हो जाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसी ऐसी विविधताएं आएंगी कि जान को बचाना असंभव हो जाएगा, तब उस समय यही छोटे से पौधे अर्थात जड़ी बूटी देव। पौधों को देव क्यों कहा गया है? क्योंकि उनमें वो क्षमता है, उनसे बड़ी दवा कोई है ही नहीं। दवा होती है वो किसी भी चीज को खत्म नहीं करती, वो किसी भी चीज को रोक देती है। और जो जड़ी होती है, जो शक्ति पौधे में है, पेड़ में है, वो किसी भी चीज को नष्ट करने की क्षमता रखती है और वो ही पैदा करने की क्षमता भी रखती है और उसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी भी रूप में, कोई भी धर्म हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उस शक्ति को याद रखते हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानों को रोक लेती है, जो ज्ञान है उसको अगर आप ध्यान रखेंगे, उसको लेके हमेशा चलेंगे, तो इस प्रकार की विपदाएं, बड़ी बड़ी चट्टानें हमेशा गिरती रहेंगी, उन सभी से आप हमेशा बचते रहेंगे।